साथियों, 21वीं सदी के नए भारत ने हेल्थ केयर के प्रति पुरानी सोच और अप्रोच को बदल दिया है। आज आरोग्य से जुड़ी भारत की रणनीति के 5 स्तंभ हैं। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी बीमारी होने से पहले का बचाव। दूसरा, समय पर बीमारी की जांच। तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं। चौथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना। और पांचवा, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। साथियों, किसी भी व्यक्ति को बीमारी से बचाना भारत की स्वास्थ्य नीति की बड़ी प्राथमिकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र का पहला स्तंभ है। बीमारी गरीब को और गरीब बनाती है। आप जानते हैं, बीते 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। एक गंभीर बीमारी इन्हें फिर से गरीबी के दलदल में धकेल सकती है। इसलिए बीमारी हो ही नहीं, इस पर सरकार बहुत जोर दे रही है। इसलिए हमारी सरकार साफ सफाई, योग, आयुर्वेद, पोषक खानपान, इन सारे विषयों पर खास ध्यान दे रही है। हम टीकाकरण अभियान को भी ज्यादा से ज्यादा घरों तक ले गए हैं। 10 साल पहले तक ये स्थिति थी कि देश में टीकाकरण का कवरेज 60% के आसपास ही थी, यानी करोड़ों बच्चों तो टीकाकरण के दायरे में ही नहीं थे। और टीकाकरण का यह दायरा हर साल सिर्फ 1.5% की गति से बढ़ रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहता तो हर क्षेत्र को, हर बच्चे को टीकाकरण के दायरे में लाने में 40-50 साल और लग जाते। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये देश की नई पीढ़ी के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा था। इसलिए सरकार बनने के बाद हमने बहुत ही बड़ी प्राथमिकता के बच्चों के टीकाकरण को दी, उसकी कवरेज बढ़ाने को दी। हमने मिशन इंद्रधनुष शुरू किया। हमने एक साथ कई सारे मंत्रालय को इस काम में लगाया। नतीजा ये आया कि न केवल टीकाकरण कवरेज की दर बढ़ी, बल्कि ऐसी करोड़ों गर्भवती महिलाओं का, करोड़ों बच्चों का टीकाकरण हुआ जो पहले इससे छूट जाते थे। भारत ने टीकाकरण पर जोर दिया। उसका बहुत बड़ा फायदा हमें कोरोना के दौरान मिला। आज पूरा देश में टीकाकरण का अभियान तेजी से चल रहा है। साथियों, बीमारी से बचाव के साथ ही ये भी जरूरी है कि बीमारी का समय पर पता चल जाए। इसलिए ही देश भर में लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। इससे कैंसर, डायबिटीज जैसी अनेक बीमारियों का शुरुआत में ही पता लगना संभव हुआ है। आज देश में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स और आधुनिक लैब का नेटवर्क भी बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र का यह दूसरा स्तंभ लाखों लोग बचा रहा है। साथियों, स्वास्थ्य का तीसरा स्तंभ सस्ता इलाज, सस्ती दवा का। आज देश के हर नागरिक का बीमारी के इलाज में होने वाला अवसर खर्च 25% तक कम हो गया है। पीएम जन औषधि केंद्रों में लोगों को 80% डिस्काउंट के साथ दवाइयां मिल रही हैं। हार्ट स्टेंट हो, नी इम्प्लांट हो, कैंसर की दवाएं हो, इनकी कीमत बहुत कम की गई है। गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना उनके लिए संजीवनी साबित हुई है। देश में अब तक 7.5 करोड़ से अधिक मरीज मुफ्त इलाज का लाभ ले चुके हैं। और अब तो ये सुविधा देश के हर परिवार के बुजुर्ग को भी मिलने लगी है। साथियों, स्वास्थ्य क्षेत्र का चौथा स्तंभ इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों पर
निर्भरता कम करने वाला है। एम्स हो, मेडिकल कॉलेज हो, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो, बीते दशक में छोटे शहरों तक ऐसे अस्पताल हमने पहुंचाए हैं। देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए बीते दशक में मेडिकल की हजारों नई सीटें जोड़ी गई हैं। अब हमने तय किया है कि आने वाले 5 साल में 75,000 और सीटें जोड़ी जाएगी। साथियों, स्वास्थ्य क्षेत्र का 5वां स्तंभ टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुलभ करने वाला है। आज डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जा रही है। ई संजीवनी ऐप जैसे माध्यमों से घर बैठे ही मरीजों को परामर्श की सुविधा दी जा रही है। मुझे खुशी है कि अब तक 30 करोड़ से ज्यादा लोग ई संजीवनी ऐप की मदद से कंसल्टेशन ले चुके हैं। हम ड्रोन टेक्नोलॉजी से भी स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, स्वस्थ और समर्थ युवा पीढ़ी विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने वाली है। मुझे बहुत खुशी है कि इस मिशन में पूज्य शंकराचार्य जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि स्वस्थ और समर्थ भारत का यह मिशन यूं ही सशक्त होता रहे। और आज जब मैं पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में बैठा हूं, तब मेरे बचपन की कुछ यादें भी मुझे आज आ रही हैं। हम जब छोटे थे तो मेरे गांव से एक डॉक्टर कुछ लोगों की टोली लेकर एक महीने के लिए बिहार जाते थे, और बिहार में वे नेत्र यज्ञ करते थे और कैटरेक ऑपरेशन का बहुत बड़ा अभियान करते थे। हर साल एक एक महीना देते थे, तो मेरे गांव से कई लोग वॉलेंटियर के रूप में जाया करते थे। मैं बचपन में इन चीजों से परिचित था और बिहार में इसकी कितनी जरूरत थी मैं उस समय जानता था। तो आज मैं पब्लिकली पूज्य शंकराचार्य जी से प्रार्थना करता हूं कि वैसा ही एक शंकरा नेत्र अस्पताल है बिहार में भी हम करें, क्योंकि मेरी बचपन की वो स्मृतियां मुझे लगता है कि बिहार के लोगों की बहुत बड़ी सेवा होगी। और महाराज जी का तो देश के हर कोने में जाने का इरादा है, तो शायद बिहार को प्राथमिकता जरूर मिलेगी, आपके आशीर्वाद मिलेंगे बिहार को। और बिहार में सचमुच में वहां के लोगों की सेवा करना ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। बड़े परिश्रमी लोग हैं, बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं, और उनके जीवन में हम कुछ करेंगे तो हमें भी जीवन में बहुत बड़ा संतोष मिलेगा। मैं एक बार फिर आप सभी को, विशेष रूप से हमारे जो डॉक्टर मित्र हैं, पैरामेडिक स्टाफ के लोग हैं, उन स्टाफ के सारे भाई बहन हैं, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और पूज्य जगतगुरु जी के चरणों में शीश नवा करके उनके आशीर्वाद के लिए, उनके सानिध्य के लिए हृदय से अपनी प्रार्थना व्यक्त करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन आप सुन रहे थे। आपको बता दें, वाराणसी को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी सौगात दी है, करोड़ों की सौगात देते प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। 6100 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई है।